जैसे कि अभी मैं नाहरलगुन पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ और यहाँ सुनने को आया है कि जो स्कॉलरशिप के 2/21 मिस्टर हिलंग नीमा और चौकी राजा अरेस्ट हो चुके हैं। चलिए SP कैपिटल से जानते हैं उनका क्या कहना है ये केस के ऊपर में। बहुत दिनों से जो स्कॉलरशिप का इशू चल रहा था यहाँ पे, तो जो 2/21 हिलंग नीमा और चौकी राजा सर, उन्होंने सरेंडर किया या अरेस्टेड हुआ सर पुलिस के द्वारा? वो दोनों अक्यूज्ड कल नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है, जिसके बाद उनको अरेस्ट किया गया है। उनके खिलाफ ऑलरेडी नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट से इशू हो गया था। सर उनका क्या कहना है अभी पुलिस का स्टेटमेंट, उन्होंने क्या दिया है इसके लिए? नहीं, इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये बात तो क्लियर है कि उनको कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है फॉर्म भरने के लिए, पैसा लेके स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का उनका कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है, और उनका वो एक मिडिल मैन की तरह अनऑथराइज तरीके से काम कर रहे थे। ये बात तो इन्वेस्टिगेशन में ऑलरेडी क्लियर है। अब वो लोग कितना स्टूडेंट्स के साथ इस तरह किया है और वो फॉर्म्स सबमिट क्यों नहीं किया, ये सब इन्वेस्टिगेशन में अभी चलेगा। उनका पुलिस कस्टडी अभी एक्सटेंड हुआ। सर तो अभी आप लोग इन्वेस्टिगेशन करने वाले हो, किस तरीके अभी शुरू हुआ कि करने वाले हो सर? वो कल अरेस्ट हुआ है, तो आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके उनका पुलिस कस्टडी लेंगे ताकि ये फर्दर ये सारे पॉइंट इन्वेस्टिगेट हो सके। अभी जैसे कि मेरे साथ हिलंग नीमा और चौकी राजा के फैमिली है, चलिए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जैसे कि दोनों एक्यूज है स्कॉलरशिप इशू को लेकर, अभी सुनने में आया है कि वो अरेस्ट हो चुके हैं, चलिए उनके फैमिली से जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि आज का पेपर में हम लोग देखने मिला है कि हिलंग नीमा और चौकी राजा को अरेस्ट हुआ है बोल के हेडलाइन में लिखा था। एक्चुअली मैडम ये जो है गलत है, हिलंग नीमा और चौकी राजा जो है उसको अरेस्ट नहीं करके दोनों खुद सरेंडर किया है ना, तो इस ये कोई मतलब आज का पेपर जो अरेस्ट का है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, और वो खुद सरेंडर किया है। और जैसे कि जो कंप्लेनेंट गोलो जर्दू का कहना है, जो FIR लॉन्च में उनने एप्लीकेशन में लिखा है कि जितना भी स्टूडेंट ने मतलब फॉर्म सबमिट किया यरकुम एंटरप्राइज या नीमा या चौकी के हाथ में, उनका मतलब सिलेक्शन लिस्ट क्या रिजेक्ट कहीं में भी मेंशन नहीं है, तो उसके ऊपर में क्या कहना है? ओके, ये जो कंप्लेन है स्टूडेंट और गोलो जर्दू का कंप्लेन है कि यरकुम एंटरप्राइज में या फिर नीमा राजा का वहाँ पर देने वाला एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ है बोल के, इसमें इसीलिए हिलंग नीमा और राजा जो है FIR दर्ज करने का बाद में एक सप्ताह या फिर कुछ दिन लेके दोनों बाहर रहना पड़ा है, ताकि ये जो कंप्लेन है उस क्वेश्चन को क्लियर कर सकने के लिए। ये जो 1370 स्टूडेंट हिलंग नीमा और राजा का यरकुम इंटरप्राइज में सबमिट करने वाला में से 100 अबोव सिलेक्ट हुआ है और कुछ रिजेक्ट भी हुआ है। इसके बाद में कुछ चीज़ को हम लोग रिफंड भी किया है स्टूडेंट लोग, उसका रिफंड करने वाला जैसे स्टूडेंट लोग जो रिफंड करने के लिए आया है उन लोग अपना मनी रिसीव को हम लोग का हाथ में देके 500 को रिफंड करके ले गया है, और कहीं लोग का रिसीव नहीं देके व्हाट्सएप में या फिर उन लोग का फ़ोन नंबर नाम का साथ में हम लोग को नाम लिखने वाला भी है। तो ये हम लोग का अगर सबमिट नहीं किया है बोलने से कैसे ये 100 अबोव जो लिस्ट मतलब सिलेक्ट लिस्ट में आया है, तो ये भी एक सोचने वाला बात है। स्टूडेंट आप लोग भी सोचिए कि अगर हिलंग नीमा और वहाँ से सबमिट ही नहीं किया है बोलने से ये सिलेक्ट लिस्ट जो कहाँ से आया ना, और रिजेक्ट भी अगर आप लोग का कंप्लेन का हिसाब से ना ही रिजेक्ट है ना ही सिलेक्ट है, तो हम लोग का आप लोग इसको बाद में भी आप लोग सच को देखने मिलेगा। और कल हिलंग नीमा जो है अपना का मतलब सबूत को हम लोग का हाथ में सौंप के गया है कि इतना। और जैसे कि सचेता डायरेक्टर का कहना था कि जितना भी फॉर्म था सबमिशन लास्ट डेट के बाद में हुआ है, और अभी जैसे कि SP कैपिटल से भी हमने बात किया, तो उन्होंने कहा था कि अनऑथोराइजली चौकी राजा और हिलंग नीमा ये स्कॉलरशिप इशू को चला रहे थे, तो उस पर आपको क्या कहना है? और लास्ट डेट को सबमिट किया उनसे 123 प्लस स्टूडेंट को नहीं मिलना था, मिला है वो लास्ट डेट का सबमिशन का बात होता ही नहीं है जो डायरेक्टर कह रहा है। इसके बाद ऑथोराइज अनऑथोराइज का बात जो SP कर रहा है तो FIR का हिसाब से नहीं चल रहा है। FIR में लिखा है कि एक भी नहीं मिला, एक भी सेलेक्ट ना रिजेक्ट इसमें, अभी ये लोग बात को बदल रहे हैं। जो FIR का दर्ज का हिसाब में चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ में बोला है कि FIR में जो लिखा है गोलो जर्दू तंग कानू उसका तम हानिया बोल के स्टूडेंट है जो लिखा है कि एक भी स्टूडेंट को नहीं मिला है, या में अनऑथराइज और ऑथराइज का बात है ही नहीं जो वो बोल रहा है। ये केस को अलग डायरेक्शन में ले जा रहा है। उसके बाद ये हो गया आपका अरुणाचल टाइम्स में ये है कि एक बार ये 14 जुलाई को निकला कि 3000 स्टूडेंट को नहीं मिला है बोल के,
बोल तो हम लोग यहाँ से तो सब 1370 स्टूडेंट्स फॉर्म भरा है, तो वहाँ से जो 1700 स्टूडेंट को जो चौकी राजा और हिलिंग निमा में क्यों डाल रहा है, वो 1700 को ब्लेम कौन लेगा, क्यों ये डिपार्टमेंट उसको देखना पड़ेगा कि ये 1700 को भी क्यों चौकी राजा और हिलिंग निमा में तोक रहा है। उसका फिर से आया आपका ये 18 जुलाई को फिर से आया है कि अरुणाचल टाइम्स में फिर से हेडलाइन आई कि 1861 स्टूडेंट है बोल के, क्या वो लोग बार बार अपना स्टूडेंट को क्यों चेंज कर रहा है, वो इतना इतना रिमार्क्स को क्यों चेंज कर रहे, इतने इतने स्टूडेंट नंबर है, आप एक बार स्टूडेंट लोग भी देख लो क्या चीज़ है ना इसको। कि लास्ट ईयर उन लोग जे आई सी टीम लोग स्कॉलरशिप को इश्यू को लेके बहुत हाई ऊपर तक चला गया था, बहुत आगे तक चला गया था, उस समय में ये डायरेक्टर और उन लोग खुद ही मतलब एक लेटर लिखा था हिलंग निमा और चौकी राजा को वाइस चेयरमैन और चेयरमैन बोल के। अगर उस समय में आप लोग को ये दोनों जो है ऑथोराइज नहीं था बोलने से, उस समय में अगर ये ऑथोराइज नहीं था बोलने से आप लोग इसको क्यों लेटर लिखा है ना, तो इन दोनों का कहना है कि ऑथोराइज नहीं था बोलने से उस समय आप लोग मतलब हिलंग निमा को या चौकी राजा को जे आई सी टीम का चेयरमैन नहीं मानना था। रहा बात हम और एक बात का क्लियर करना चाहते हैं कि स्टूडेंट के लिए ना, स्टूडेंट आप लोग का बोलना है कि हिलंग निमा और चौकी राजा दोनों जो है स्कूल स्कूल में जाके आप लोग का फॉर्म को कलेक्शन किया है। हिलंग निमा और राजा दोनों ने एक्सेप्ट भी किया है कि स्कूल स्कूल में दोनों स्टूडेंट लोग को भेजा था। क्यों भेजा था बोलने से ये साल से पहले कहीं भी स्टूडेंट लोग मतलब स्कूल का स्टूडेंट लोग मालूम नहीं था कि स्टूडेंट लोग का प्री मैट्रिक का भी ये स्कॉलरशिप भराया जाता है बोल के ना, तो उसका अवेयरनेस देने के लिए उन लोग मतलब स्कूल स्कूल में स्कूल बच्चा लोग को भेजा था कि बच्चा लोग भी क्लास 9-10 का बच्चा लोग भी अवेयरनेस मतलब स्कॉलरशिप को ले सकता है। और जो फॉर्म फिलअप करने नहीं जानता है वो यरकुम इंटरप्राइज में मैयरकुब इंटरप्राइज का और हिलंग निमा और चौकी राजा का मदद से फॉर्म फिलअप कर सकता है बोल के अवेयरनेस के लिए स्कूल स्कूल में किया था। और एक दूसरा बात है कि कहीं स्टूडेंट लोग का कंप्लेन है कि अगर निमा राजा जो है गलती नहीं था बोलने से ये दोनों मतलब मीटिंग में अटेंड क्यों नहीं किया है ना, तो इसका हम थोड़ा सा आप लोग को क्लियर करना चाहेगा कि निमा और राजा दो मीटिंग में अटेंड किया है। पहला मीटिंग वो लोग न्यूरजुली में किया था बोले, दूसरा मीटिंग जो है आपका आईजी पार्क में किया था जिसमें ये तांग खानू बोलने वाला लड़का जो है मीटिंग को लीड किया था, उसमें कई तरह से दोनों को मिसबिहेव किया। इसीलिए जो 14 जुलाई को जो सजादा ऑफिस का सामने में उन लोग को मीटिंग बुलाया था, 13 को निमा जो बोला है कि हमको कल क्राउड में जाना थोड़ा तकलीफ होगा ना, मतलब बच्चा लोग का मिसबिहेव हो रहा है, थ्रेटनिंग कॉल आ रहा है, इसीलिए हम लोग पुलिस का मदद लेने के लिए रात का 9 बजे को हम उसका पुलिस का मदद लेने के लिए पुलिस स्टेशन में गया है कि कल स्टूडेंट लोग निमा को मीटिंग में बुलाया है, वहाँ में कुछ भी हो सकता है ना, क्राउड स्टूडेंट में कोई कुछ भी कर सकता है, आप लोग का तरफ से हम लोग को मदद करो बोल के सिक्योरिटी मांगने गया था। लेकिन हम लोग का एफआईआर को वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया है, थ्रेटनिंग केस नहीं बनता है बोले, अगर थ्रेटनिंग केस मतलब ये होने से भी किसी का पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा बोल के ना, तो स्टूडेंट फिर मीटिंग में भी कोई लीड बाय बोल के किसी का नाम नहीं था, सिर्फ ऑल इफेक्टेड स्टूडेंट लिखा हुआ था, इसीलिए हम लोग भी एफआईआर में ऑल इफेक्टेड स्टूडेंट लिखा है। उसका वजह से हमको बोला है कि मतलब हम लोग थ्रेटनिंग केस का नहीं बनता है, सिक्योरिटी नहीं देगा। फिर हम लोग क्या किया है, 9 बजे को गया, फिर 11 बजे को एक बार हम वापस गया है, सर कल जैसे भी अगर नहीं आता है वो मीटिंग में निमा अटेंड नहीं होता है बोलने से स्टूडेंट लोग फिर निमा को ब्लेम करेगा ना, इसीलिए आप थोड़ा सा मतलब सोच के ये एफआईआर का नहीं होने से भी आप लोग का तरफ से मदद मिल सकता है क्या बोल के। उस समय में बोला है कि अगर तुम लोग को कोई सिक्योरिटी चाहिए बोलने से एसपी में जाके बात करो। फिर उसमें रात का 11 बज चुका था, इसलिए हम लोग सोचा है कि चलो ठीक है 11 बज गया, कल मीटिंग दूसरा दिन को मीटिंग था 14 को, उसमें हम लोग फिर सोचा है कि इसमें ऑल इफेक्टेड स्टूडेंट है ना, शायद उन लोग एक टीम बनाएगा होगा लास्ट ईयर जैसे कि पूरा स्टूडेंट को लीड करने के लिए लीड बाय निमा एंड राजा था, वैसे ही एक मतलब एक टीम बनाएगा होगा बोल के हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा था। आखिर में मतलब आप दोनों एज अ फैमिली मेंबर जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मैसेज और या क्या एडवाइस करना चाहते हैं? ओके, स्टूडेंट को मेरा तरफ से थोड़ा सा मतलब एक एज अ बीवी एज अ वाइफ हिलंग निमा का तरफ से हम थोड़ा सा एडवाइस देना चाहता है
ये हिलंग निमा और चौकी राजा वही हिलंग निमा और चौकी राजा है जो लास्ट ईयर आप लोग के लिए जेल जाने के लिए रेडी था ना, आप लोग के लिए जेल जाने के लिए रेडी था, कुछ फैमिली का कुछ परिवार का हर चीज काम को छोड़ के स्टूडेंट के लिए मर मिटने के लिए रेडी था, और अपना आप को प्रूफ करने के लिए आप लोग को एक महीना भी समय मांगा था। लास्ट ईयर आप लोग उसको 6 या 7 मंथ समय, मतलब सच को निकालने के लिए 6-7 मंथ साथ दिया है। इस बार भी अगर आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करके एक महीना साथ देने से शायद इतना तक भी नहीं। अभी जो हम स्टूडेंट को ये बोलना चाहते हैं कि अभी केस जो लीगल वे में चला गया, कोर्ट में चला गया, अभी अगर मेरा भाई और निमाज अगर गलती है बोलने से उसको कोर्ट सजा देगा, तो आप लोग ये जो मीडिया ये क्या फेसबुक उसमें जो लिखते हैं इतना नहीं लिखने से फैमिली को सेंटिमेंटली तो हार्ड होता है, तो आप लोग नहीं करने से भी ठीक है। जो अभी केस लीगल चल रहा है तो लीगल वे में ले जाओ, और मेरा भाई अगर गलती है तो ऑब्वियसली उसको सजा मिलेगा, नहीं है तो वो रिहा होगा, कोर्ट पे बैठने दीजिए बात को। अभी मेरा नाम गोलो जर्दू है, हम रुड़की इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट शामली यूपी के अंदर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसे कल निमा भैया और क्योंकि राजा भैया मेरा पर्सनल अगेंस्ट में एक इन लोग ने मेरा नाम सामने लाया था, इसलिए हम उसको क्लेरिफाई करने के लिए आज बताए हैं। निमा भैया और क्योंकि चौकी भैया आप दोनों लेती तो सही, लेकिन आप लोग एटलीस्ट हम लोग को रिस्पॉन्स किया है। पहले ऐसे रिस्पॉन्स करता एक महीना पहले, दो महीना पहले, चार महीना पहले, जब भी एक दिन पहले भी रिस्पॉन्स किया होता तो हम लोग ऐसे कभी ऐसे कुछ नहीं करता। आपको इतना वेट करने के बाद आप हमसे बात नहीं कर रहा था, मेरा नंबर आपका पास है, आपका फॉर्म में दिया था, सब कुछ दिया था, इतना होने के बाद तब हम लोग सोच सोच के एक ट्रीटनिंग, आप जैसे कि ट्रीटनिंग दे रहा बोला, इसका मिडिल मैन में पुलिस को रोल करने देने के लिए हम लोग आपको भी बचाएगा सोच के, हम लोग भी बचेगा सोच के, इसलिए हम लोग पुलिस को भी ये कंप्लेंट दिया था ये लेटर। जो तो जैसे आप हमको बोला था मेरा लेट समय में जमा हुआ था, तो जैसे हम 25 सितंबर 2017 को आपका यरकुम इंटरप्रेटर थ्रो मेरा सब डॉक्यूमेंट्स को हम जमा किया था। मेंबरशिप नंबर मेरा 100 है और चार्जेस 500 का फॉर्म का चार्ज जितना ज़रूरत हो आप 500 रुपये हम दिए थे। लेकिन इतना दिन का बाद में 4 दिसंबर 2017 को चौकी राजा वाइस चेयरमैन के नाम से मेरा यहाँ कॉलेज में एक लेटर आया था। इस लेटर में जब चेक किया तो वो स्कॉलरशिप का फॉर्म था, उसमें उसको हॉस्टल वार्डन का और डायरेक्टर का वेरिफिकेशन का ज़रूरत था। तो जैसे ही हम 4 तारीख को रिसीव किया, तुरंत उसी दिन हम सब कुछ एवरीथिंग को क्लियर करके वेरी नेक्स्ट डे 5 दिसंबर को हम इसको स्पीड पोस्ट का थ्रू वाइस चेयरमैन क्योंकि राजा के नाम से हम एड्रेस में हम वापस भेज दिया था। उसका जो स्पीड पोस्ट आया था उसका ये है कंसाइनमेंट नंबर है क्योंकि राजा के थ्रू से आया था EE4677888669IN है, और मेरा जहाँ से भेजने वाला का कंसाइनमेंट नंबर है EU56325407IN है। पोस्ट ऑफिस केराना का में हम अपना यहाँ से ये एप्लीकेशन को हम आपका ये चौकी राजा का नाम एड्रेस में हम भेज दिया था। इसके बाद जब आया बात आया जब अभी बोल रहा है कि पर्सनल लेवल में ये हो रहा है, ये हम लोग से कोई मिसलीड कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं है अभी, इसलिए हम लोग बहुत तकलीफ हो गया था, इसलिए आप भी मेरा सामने नहीं आ रहा था, आप हमसे बात नहीं कर रहा था, आप हमको एक बार भी कॉल करके बाई सोच के भी, चौथा बाई सोच के भी, कुछ भी सोच के भी, मेहमान सोच के कुछ भी हो, लेकिन एक बार कॉल भी करता हम लोग कभी ऐसे FIR तक हम लोग कभी नहीं जाता, कंप्लेन कभी नहीं करता पुलिस पे। पुलिस कंप्लेन देने का मतलब ये था कि आप बार बार बुलाने का बात नहीं आ रहा था, हम लोग इतना मीन्स आपको हम इतनी पूछना था सिर्फ क्या हुआ है हम लोग का फॉर्म को ऐसे होना था, आप हम लोग के सामने एक बार भी नहीं आके अभी मेरा नाम को पर्सनली लेके मेरा नाम को यहाँ में सबका सामने में लाके ऐसे गलत किया वो गलत किया, हम तो अपना काम 100% किया है। जैसे आप जैसे हमको भेजा 4 तारीख को भेजा, हम 5 तारीख को वापस भेज दिया, उसमें तो मेरा गलती नहीं है। आप जैसे मेरा रिसीव किया नेक्स्ट दिन हम भेजा, वो तो आपको भी सोचना है, ऐसे वन साइडेड स्टोरी आप नहीं दे देना सबको, मिसलीडिंग कर रहा है, ये फैमिली को रॉन्ग मैसेज आता है, आपका फैमिली को, आपका दोस्त को, आपका मेरा दोस्त को, यहाँ हम लोग का जितना स्टूडेंट डिप्रेस स्टूडेंट उसको भी रॉन्ग मैसेज आता है, आप उसको क्लियर कट बोल देना है कि मीन्स उसका वो लोग भेजा था
तब हम लोग रिप्लाई यहाँ से आया था। ये सब को आप क्लियरली आप बोल देना चाहिए था, लेकिन आज ज़रूरत पड़ गया इसलिए आपका सामने आया है। आप प्लीज़, अब हम लोग से आपसे कुछ दुश्मन नहीं है, आप फिर से बोल रहे आपसे कुछ दुश्मन नहीं है आपको, हम कहीं ऑर्गेनाइजेशन में है ना, हम कुछ है, हम एक डिप्राइव्ड स्टूडेंट है, एक डिप्राइव्ड एकदम टोटली डिप्राइव्ड स्टूडेंट है, उसका ऊपर से उस ऊपर और कुछ नहीं है, हम एक ओनली डिप्राइव्ड स्टूडेंट है। तो उसमें कोई बड़ा मिसगाइड कर रहा है, मेरा पीछे कोई नहीं है, मेरा वो सच में हो सकता है 4-5 लड़का वो जो डिप्राइव, वो भी खुद भी डिप्राइव है, वो लोग है सिर्फ, बस और कुछ नहीं है। आप उसको पर्सनल ले रहा है, उसको मिसलीड नहीं करना है। थैंक यू सो मच।